तुम्हारे ये पाक हाथ इन नापाक पैरों को छूने के लिए नहीं। सत्यन, क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ। जिस औरत के दिल में ममता नहीं, वो बंजर जमीन की तरह बेकार है, नाकारा। सत्यन, बिजू भैया, आफरीन है तुम्हारी शराफत पर। कल माँ को तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती थी, आज मुझे तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है। चुप रहो मेरे भैया, चुप रहो। आज तक चुप ही तो रहा हूँ भाभी, लेकिन अब मुझसे चुप नहीं रह जाता। तो पैसे के आ गए इन लोगों के पास, ये उस भाई को भूल गए जिसने बाप बनकर बेटे की तरह पाला ही नहीं, इस काबिल किया कि आज ये दुनिया में नजर उठा के जी सके। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो, बड़े भैया भूखे प्यासे रहे, उनके मासूम बच्चे बिलकते सिसकते रहे, भाभी सारी जिंदगी अपने आंसू बहाती रही सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। भैया ने मकान गिरवी रखा, कर्जा लिया, लेकिन उस रकम में से अपने घर के लिए मुट्ठी भर अनाज तक न खरीदा ताकि तुम भूखे ना रहो। सारी जिंदगी सैकड़ों पायबंद लगी एक धोती में गुजार दी ताकि तुम कीमती सूट पहन सको। बस करो, बस करो मेरे भैया। अभी तो बहुत कुछ कहना है भाभी, बहुत कुछ। आज जबकि बड़े भैया की हड्डियों में वो बल ना रहा, उनकी आंखों में वो रोशनी ना रही, तो तुमने उन्हें छोड़ दिया ताकि वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते सड़क पर दम तोड़ दे। अरे लानत है तुम पर। बंद कर ये बकवास। बकवास नहीं है, ये सच है, कड़वा सच। सत्यन भैया, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपने भाई से लड़ रहे हो। अरे कौन सौतेला और कौन सगा ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें बार बार मिल सकती हैं। सत्यन, चुप करो सत्यन। लेकिन राम जैसा भाई और सीता जैसी भाभी सिर्फ एक ही जन्म में मिलते हैं। बस करो सत्यन, तुम्हें मेरी सौगंध, चुप करो। अच्छा भाभी चलो, जिस घर के मर्द औरत के गुलाम हो उस घर में सांस लेना भी पाप है। मुझे औरत का गुलाम कहते हैं, शर्म नहीं आती? चलो इस तरह भाभी तुम यहीं ठहरो, जन मुरीद का हिसाब चुका कर आता हूं। मुझे जन मुरीद कहता है? अगर मर्द होते तो पीछे से वार ना करते। ये हुई ना मर्दों वाली बात। दरवाजा खोल सकते? अरे भाई पर हाथ उठाते मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? आप जरा बात तशरीफ ले लीजिए प्लीज। नर्स पुट हिम ऑन ऑक्सीजन। यस सर। डॉक्टर साहब,
मेरा भैया बच जाएगा ना? देखिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। इसका फैसला बड़े डॉक्टर के आने के बाद होगा, वो भी आते ही होंगे। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ, नानावती हॉस्पिटल से। एक केस रिपोर्ट करना है, कॉन्कशन ऑफ द स्कल। यस इंस्पेक्टर, बहुत सीरियस है, उसे लाने वाले लोग अभी यहीं हैं। जी हाँ, थैंक यू। जरा सुनो तो, यहाँ बात बहुत बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल में पुलिस के आने से पहले हम अपने लॉयर को बुला लें। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गए? अभी नहीं, मुझे उसका स्टेटमेंट लेना था। इस वक्त आप नहीं ले सकते। सत्यन का हाल क्या है? उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, इसका मतलब है कि केस सीरियस है। अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? You'll have to wait and see Mrs. Gupta. लेकिन वकील साहब, अब कानूनी पोजीशन क्या है? इसका दारोमदार सत्यन पर है। अगर सत्यन बच गया और उसने ये स्टेटमेंट दी कि आपने उसे मारा है, तो आप पर दफा 325 लगाई जाएगी, जिसके मुताबिक आपको 5 या 6 महीने की सजा होगी। और अगर क्या वकील साहब? और अगर सत्यन मर गया तो पुलिस आप पर दफा 307 लगाएगी, जिसके मुताबिक आपको 5 या 7 साल की सजा होगी। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जान सत्यन के हाथों में है। फिर तो हमारा बचना नामुमकिन है, सत्यन हमें जेल भिजवाए बगैर नहीं रहेगा। वकील साहब, प्लीज हमें बचा लीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे क्लाइंट इस वक्त यहाँ कोई बयान नहीं देंगे। जो भी स्टेटमेंट देनी होगी वो मैं दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। सत्यन कैसा है? अभी तक होश नहीं आया, शायद ऑपरेशन हो। भगवान जाने क्या होगा। जब अपना नसीब ही फूट गए तो किसे दोष दें। लेकिन सुनो, तुम्हारे होते हुए बात यहाँ तक बढ़ी कैसे? मैं क्या करती, मुझे तो सत्यन ने कमरे में बंद कर दिया था, और ये बाहर दोनों सत्यन और विजय। मैंने लाख खटखटाया, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। इस तरह मारना, इतना मारना, सत्यन तो गुस्से वाला है ही, लेकिन ऐसा वार तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, क्या क्या नहीं किया मैंने बिजू के लिए। वो पढ़ लिखकर कामयाब हो, अच्छे से अच्छे संस्कार हो उसके मन, उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, मेरी बरसों की तपस्या को उसने पल भर में मट्टी में मिलाकर रख दिया। कितनी कोशिश की मैंने घर की इज्जत बनी रहे, लेकिन मेरे इस भाई ने मुझे हरा दिया। भाभी, सत्यन, सत्यन कैसा है? सब भगवान के हाथ में। बेटी, हमारे नसीब तो फूट चुके हैं, तुम कितनी खुश नसीब हो, अब तो यही देखना बाकी रह गया है। जो मूर्ख कहीं के, ये तुमने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया? भैया, आप
आप भी मेरे बारे में सोच रहे हैं? क्या करूं,